हेलो फ्रेंड्स, हम आज बात कर रहे हैं मधुमक्खियों के उनके सिर पर पाया जाने वाला उपांग एंटीनी या श्रृंगिका पर। तो मधुमक्खियों में एक तरह से नत भुजाकार या जेनिकुलेट प्रकार की एंटीनी पाई जाती है, जो कि अपना एक आंखों के सामने उनके मध्यांतर पर स्थित होते हैं। प्रत्येक एंटीना को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो कि सिर से जुड़ा होता है स्कैप, द्वितीय खंड जो प्रथम से प्रायः पतला होता है पेडिसिल, और तीसरा जो शेष भाग बचा हुआ फ्लैजलम नाम से जाना जाता है। जो रानी एवं कमेरी के फ्लैजलम में 11 खंड तथा नर मक्खी में 12 खंड होते हैं। जब हम श्रृंगिकाओं के इनकी जो बनावट के हिसाब से जब इनका जो मॉडिफिकेशन या बनावट के अनुसार जो प्रकार की जब हम बात करते हैं, तो नत भुजाकार या जेनिकुलेट प्रकार में इसकी गणना की जाती है, जिसमें जो प्रथम खंड जिसे स्कैप कहते हैं सबसे अधिक लंबा होता है, द्वितीय खंड जिसे पेडिसिल कहते हैं प्रायः छोटा देखा जाता है, शेष फ्लैजलम बहुत से छोटे छोटे खंडों का बना होता है। फ्लैजलम स्कैप के साथ लगभग एक सम कोण या राइट एंगल बनाता है या कोहनी की तरह मुड़ा होता है। इस प्रकार की एंटीनी विशेष रूप से जो है हाइमनोप्टेरा के कीटों में ये दिखाई पड़ता है। जो ये एंटीनी है, इनका जो उपयोग है मधुमक्खियाँ या विशेष करके जो वर्कर्स होती हैं, ये अपना जो अपना स्पर्श स्थिति का ज्ञात भोजन ढूंढना तथा रास्ता मालूम करने में इनकी सहायता लेती हैं। विशेष रूप से ये मक्खियाँ अपने जो स्वाद के जो रोम या घ्राण रोम भी इनमें दिखते हैं, जिससे गंध का ज्ञान ये मधुमक्खियाँ इनसे करती हैं। इस प्रकार से छोटा सा ये वीडियो था मधुमक्खी में पाया जाने वाला उनका उपांग जो सिर पर पाया जाता है, जिस उपांग का नाम है श्रृंगिका या एंटीनी। थैंक यू।